सुनो जल्दी से ऑलराइट को सब्सक्राइब करो और हमें 3 मिलियन फैमिली बना दो। ये है किस्मत, मेरी छोटी बहन, उम्र में छोटी, कारनामों में बहुत बड़ी। अगर घर से भागने का कोई कंपटीशन ओलंपिक में होता तो ये पक्का इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आती। हाथ कैसे कांप रहे हैं इसके, इस उम्र में माल पीता है। छी, शर्ट कैसी हिप्पी वाली पहन रखी है, इस उम्र में भी माल बेचता है। छी, और ये है नानी। वैसे तो स्वीट है, पर अगर इनकी लाइफ पर फिल्म बनती तो पक्का उसका टाइटल रिवॉल्वर नानी होता, क्योंकि ये हमारे घर की सबसे दबंग कैरेक्टर है। और ये एक फ्रेम में है हमारा पूरा आहूजा परिवार, एके हमारा मॉडर्न परिवार। आप इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? वो नानी का अंदर ना दम घुट रहा था, मैं सैर कराने ले आई। तो बालकनी कैसे सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए बनाई हुई है? ये कोई वैसे तो मम्मी डांट कर रहे, पर गुस्सा आ जाए तो भयंकर है। यार एकांत, तू जल्दी से जाके व्हीलचेयर लेकर आ। ओ, किससे? स्टीफन हॉकिंग से। अरे वर्मा जी से लेकर आना बेवकूफ। और ये है मेरे पापा, घर गृहस्थी चलाने और स्वादिष्ट खाना बनाने में एक्सपर्ट। और ये हूँ मैं, इस सुंदर सोसाइटी का शेरलॉक, जिसे आज अपनी बहन के खिलाफ सबूत मिला है। तो आप ही बताइए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कैसे जाने दे सकता हूँ? तेरी बाबे गरम मसाला, तेरी आदे गरम मसाला, भून के कर डाला। अरे नाश्ता रेडी हो गया, सब लोग आ जाओ भाई। सरू, मैनेजमेंट की जरूरत तुम्हें है, बैंक को नहीं। अच्छा अब जल्दी करो, नाश्ता रेडी है। अरे संजू, मेरी घड़ी नहीं मिल रही यार। अरे सरू, वहाँ डाइनिंग टेबल के पीछे बाउल में पड़ी है। अरे यार, ये कोल्ड कॉफी बना के रात को कौन पी गया? मेरा सारा दूध खत्म कर दिया यार, क्या है ये सब? हैं, जानवर रहते क्या इस घर में? पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। यही ना कि सारा दुख तूने खत्म कर दिया नालायक, घर में कुछ मत छोड़ना तू, फ्रिज में भी ताल लगाऊंगा मैं कल से। अरे जेपी जी, आप हमेशा टाइम पर आते हैं। अरे इन्होंने तो दूध ही खत्म कर दिया था मेरा। थैंक यू, आप ले आए। थैंक यू बोल दे इनको, वरना क्लास लगाता तेरी। चलिए मिलते हैं। खाने के बीच में तूने सुर लगा के रखा हुआ है। मम्मी यार, अब मेरी नाक ब्लॉक हो रही है, उसमें भी आपको दिक्कत है। तुझे दिक्कत हो रही है, मुझे उससे दिक्कत हो रही है। अरे यार, क्या एक्सरसाइज कर रहा है? ये ले वैक्सीन ले। ठीक है। मुझे पता है कल नानी कैसे गिरी थी, पैर फिसल गया था, ये तो सबको पता है। पापा, ये दूध तो बहुत सही है। ना, क्रीमी भी है ना। नहीं नहीं पापा, मैं मेरी बात सुनो पापा, मुझे पता है आपको ये। पापा टेस्टी भी बहुत है ये तो, कुछ इसमें अलग है ना। अरे बेटा, ये कंट्री डिलाइट का प्योर काओ मिल्क है, अब प्योर है तो टेस्टी तो होगा ही। जेपी सीधा लाया था फॉर्म से। मम्मी जी, मैं तो बोल रहा हूँ एक बार आप 2 ग्लास और पी लो। अरे आप यूं भाग लगो यूं। अरे भाग ही तो रही थी ये, कल कोई शहर पे नहीं गई थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान था इसका, वो तो ये नानी से टकरा गई, गिर गई नानी और नानी का पैर। वो पागल हो गया है संजू, एक तो तुम इसके साथ ना बैठ के क्राइम पेट्रोल देखना बंद करो। हेलो मम्मी, मैं देखता हूँ इसीलिए सावधान और सतर्क हूँ। नानी बोलोगे आप कुछ? खाते वक्त मुंह नहीं चलाते, मक्खन दे। अरे यार, अफेयर चल रहा है इस घर में, अफेयर चल रहा है तेरा। अरे इसका तो हो ही नहीं सकता, इसका किस्मत का। और साथ में बिठा बिठा के दिखाओ इसको फैमिली मैन, बन गई ना ये भी धृति। कुछ भी बकवास, कोई अफेयर नहीं चल रहा मेरा, नानी जरा बताना इसको। खाते वक्त मुंह नहीं चलाते, अचार दे प्लीज। ये अफेयर फेयर मत बोलो, बड़ा खराब लगता है सुनने में। मतलब लाइकिंग बोल लो, फ्रेंडशिप बोल लो, रिलेशनशिप नहीं, अभी के लिए अफेयर ही ठीक है। अरे यार,
मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है? ऐसे नहीं मानोगे आप लोग। क्या कर रहे हैं? मम्मी मेरा सच में कोई चक्कर नहीं चल रहा है, मैं तो बस बस 20 साल की है तू, ये उम्र है तेरी सब करने की? कितना बदल गई है तू किस्मत। किस्मत बदल दी वैखी मैं जग। ओए खोते, बड़ा बेसुर हो गया, बस कर। तू बुलाओ उस लड़के को, मैं निकालती हूँ तुम्हारा प्यार। अरे बुलाओ, अरे फोन चेक करो ना, व्हाट्सएप चेक करो। पहले फोन ना तोड़ दूं मैं उससे पहले। अरे नहीं नहीं बेटा बेटा, EMI बाकी है अभी तुम्हारे लाखों के फोन की, ठीक है? और सरू, तुम ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुकी हो, तुम जाओ, मैं संभाल लूं। बड़ा अच्छा संभाल रहे हो तुम, सारा दिन घर पे रह के करते क्या हो? तुम्हें ये भी पता नहीं लगा? तेरी वजह से पापा को डांट पड़ रही है। ओए तू रात को फिर इनकॉग्निटो खोल के बैठा था क्या, तुझे पता नहीं चला? उसे कुछ मत बोलो, उसकी वजह से ही पता चला है। बड़े यार। हेलो सर। यस सर, आई एम रनिंग बिट लेट सर, मैं अभी आपको फोटो खींच के। आ गया मजा, पड़ गए चैन। हां सर, मैं अभी भेजती हूं सर। नहीं नहीं सर, लेट हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड सर, आई कॉल यू बैक। किस्मत बेटा कहाँ जा रही थी तू? पापा मैं तो बस कसौल जा रही थी। ये क्या पापा? नहीं नहीं, तू फिर से झूठ बोल रही है, मेरे मुंह पे झूठ बोल रही है, हैं? ये रिजल्ट है तेरे को फ्रीडम देने का? हमें पता है कसौल में क्या होता है। पर मैं कसौल नहीं जा। क्या है ये? ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं लिखा, तूने लिखा है ना? तूने मेरे पे इल्जाम डाल दिए पापा। अबे मां फंसा रहा है, मैं तो नाइट आउट पे जा रही थी। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, कसौल कसौल नहीं जाना। अरे ये जाता है शिमला, ये जाता है कसौल, ये जाता है कसौल। मैं भज रही सी, और नोट मेरा हैगा। कमर ना टूटी होंदी ना, ते हजे मैं कसोल दी पहाड़ी ते बैठ के हिल्स कॉलिंग वाली फोटो पा रही होंदी मैं। यार नानी यार, देखो हमें पता है कि किस्मत आपकी फेवरेट है, आप ना उसकी ऐसे गलतियां छुपाने की कोशिश मत करो यार, प्लीज यार नानी। ना मन, कमर ठीक होंदे फिर भज जावांगी, तां तक तुसी सारे ना ऐ सुन लो जरा। सारे मैनू हिप्पी हिप्पी बोलते हैं, बस एक तू ही है जो मैनू हब्बी हब्बी बोलती है। मैं ना 3 दिन वास्ते कसोल जा रहा फॉर सम वर्क, तुसी मेरे नाल चलोगे मैनू चंगा लगेगा। आई लव यू मेरी कुकू। लेकिन मैनू राती पिक कर लेना, पैकिंग करके सोसाइटी दे गेट दे बाहर मिलांगी 2 बजे शार। लव यू टू मेरे कुकू। नानी ये लो, घर की सबसे छोटी लड़की और सबसे बड़ी लड़की दोनों का चक्कर चल रहा है। उधर तो पता नहीं, लेकिन मैं सीरियस हूँ। मम्मी ये कोई उम्र है आपकी? प्यार करन दी कोई उम्र थोड़ा होंदी हैगी। मम्मी थोड़ी तो शर्म करो, पापा को गए हुए मैं 5 साल नहीं हुए हैं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे 1 साल बाद उन्होंने वापस आ जाना है। वैसे देखने में तो वो पीतमपुरा के बॉम्ब वाले जैसे लग रहे हैं। 1 साल पहले पार्क विच मिले सी डैनी, गिटार भी बजा लेंदे है। काली तेरी गुत ते परांद तेरा लालनी, आहो आहो। तेरे पापा सपने में आए थे मेरे, ले लिए मैंने परमिशन। किस बात की परमिशन ले ली है? ये अफेयर चलाने की? सरू मैं हिसाब गिनवाऊ, तू कितनी बारी गई है शादी से पहले इसके साथ घूमने? मम्मी पापा आप भी शादी से तो चुप कर। यार यहाँ सब प्यार कर रहे हैं यार, मुझे भी प्यार करना है। भागो, सब अपने लवर को लेके भाग जाओ इस घर से, दिमाग खराब कर दिया मेरा। मैं तो जा रही हूँ ऑफिस, इनको अफेयर करने है, एक को भागना है, एक को कसौल जाना है। दिमाग सरू नरा, अरे सरू नाराज मत हो, मेरी बात तो सुनो सरू। आप हाउस नंबर 37 ढूंढ रहे होंगे? जी जी जी, हेलो जी, मैं दिनकर महाजन, गुगू जी के गुरजीत जी का फ्रेंड हूँ मैं। मैंने सुना वो कल गिर गई थी। हाँ तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो गिरी कैसे हैं? जी एक्चुअली शी इज़ वेरी यंग एट हार्ट, कुछ कर रही होंगी तभी। ये उनके लिए है? जी नहीं, ये आपके लिए है। पहली बार जब किसी घर जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। थैंक यू। शुक्रिया। जाइए अंदर ही।
जी एक्सक्यूज मी, मैं इसमें से एक ले सकता हूँ? एक्चुअल में गुगु जी को, आई मीन गुरजीत जी को बहुत पसंद है ये। जाइए। ऐसे क्यूट तो बहुत लग रहे दोनों, है ना? सरू, लड़की का अलग, माँ का अलग, सरू कर दिया मेरा। सरू मेरी एक बात तो सुनो। टेंशन ना। सरू तुम नाराज क्यों हो रही हो यार? सरू एक मिनट, एक चुप रहो। सर यार, सरू सरू देखो, मैं ऐसे मुड़ से तुम्हें ऑफिस तो नहीं जाने दूंगा, फिर तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो संजू? अरे यार, नाराज क्यों हो रही हो सरू? अच्छा एक बात बताओ, ये रिलेशनशिप को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो ना, तो सोचो मम्मी जी के लिए ये डिसीजन लेना कितना टफ रहा होगा। तो किसने कहा था उनको कि इस उम्र में गुलछर्रे उड़ाए? यार क्यों नेगेटिव बोलते हो? हाँ वो लोग सीरियस है, तो इट्स कॉल्ड रिलेशनशिप। तो हमारे रिलेशनशिप का क्या, हम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते? अच्छा सुनो ना एक मिनट, देखो लाइफ में हमें कंपेनियन की जरूरत होती है, वो भी इस एज में, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती है, बच्चे सेटल हो जाते हैं, और तब हमारे पास वक्त ही वक्त होता है। लेकिन जिस इंसान के साथ ये वक्त बिताना है वो दुनिया में होता ही नहीं। तुम कोई जल्दी ज्यादा बुढ़े नहीं हो रहे हो? अभी तो मैं जवान हूँ। ये तुम्हारी हंसी है ना, जान ले लेंगी मेरी किसी दिन, सच में बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैंने वो कंट्री डिलाइट ऐप से ना दूध मंगवाया, आज बढ़िया सी काढ़ी वाली खीर बना के खिलाऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा क्यूट होने की कोशिश मत करो। कोशिश? सरू मैं क्यूट हूँ। हाँ अब मेरा मूड ठीक हो गया है संजू, तो अब क्यों जोक सुना रहे? मैं जोक सुना रहा हूँ? क्या लग रहा है तुम्हें जोक सुना? अरे सुनो, ये जो सोसाइटी की लेडीज लोग हैं ना, उनसे पूछो मैं कितना क्यूट हूँ, लेडीज मैन हूँ मैं उनके लिए। अच्छा लेडीज मैन, उतरो मुझे लेट हो रहा है। अरे सुनो ना एक बार, क्यूट नहीं बोला तुमने मुझे। तुम ऋतिक रोशन हो, ठीक है? नहीं ऋतिक रोशन नहीं, सुनना मुझे क्यूट सुनना है। अब मैं तुम्हारा कस्टमर बना दूंगा। अरे अच्छा ओके ओके ओके, तो सुनो सरू, कचुंबर खाओगी तुम मेरा? चली गई। हाउस हस्बैंड की तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है इस घर में। क्या यार, मिस्टर आहूजा आप क्यूट नहीं है, बहुत क्यूट है। रिश्ते कड़वे मीठे हैं सारे एक छत के नीचे, रिश्ते कड़वे मीठे हैं सारे एक छत। बीइंग आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट, मैं मैन टू मैन आकर आपसे पूछूं, कैसे नहीं दोगे पैसे? पूरे अपार्टमेंट की पूरी सोसाइटी की भाभी हो आप। कोई बड़ा अगर ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे बदतमीजी करे तो उसको घुसंड और चुसंड कैसे मारने ये नहीं सिखाया? रिश्ते कड़वे मीठे। डैनी को ऑफिशियली हम अपनी फैमिली का पार्ट बना। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इनसे पूछना चाहिए कि इन्हें क्या लगता है। तो गाइस अगर आपको लगता है कि हमारी नानी को डैनी जैसा पार्टनर मिलना चाहिए तो धड़ाधड़ इस वीडियो पे लाइक्स की बौछार कर दो और इसे वायरल कर दो। एंड गाइस डाउनलोड कंट्री डिलाइट ऐप नाउ एंड सब्सक्राइब टू 100% प्योर काउ मिल्क नाउ। और पापा कह रहे थे कि इस मिल्क में कोई भी मिल्क पाउडर या कोई भी मिलावट नहीं है, ये सीधा फार्म से घर पे आता है, बिल्कुल 100% प्योर। तो मंगा के देखिए। ऑल्सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस मैड एंड मॉडर्न परिवार का अगला दिन कैसा रहा, तो सब्सक्राइब टू ऑल राइट एंड बी ऑल राइट एंड बी ऑल राइट।